डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव इन बातों को काफी तार्किक तरीके से बताते हैं। देखिए, वैज्ञानिक कारण मनोवैज्ञानिक कारण ही इसमें है और इसमें कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कोई सुपर पावर कोई ऐसी नहीं एग्जिस्ट करती है। और मनोवैज्ञानिक कारण ये है कि किन्हीं भी कारणों से कोई भी बंदा उस पर्टिकुलर प्लेस पे, जो कि ये मानता है कि यहां पे ऐसा कोई सोल हॉन्ट करती है, कोई आत्मा या कोई रूह ऐसी हॉन्ट करती है, तो कोई भी आदमी जब इसको ये बता दिया जाए कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे वहां पे जाने पे आपको ऐसी अनुभूति होगी, ऐसे लोग दिखेंगे, ऐसी आवाजें आएंगी, तो उसके अंदर पहले से ही एक फियर सिंड्रोम डेवलप कर जाता है उसके माइंड में। और जब भी हमारा मन डरा हुआ होता है तो ऐसी तमाम असामान्य अनुभूतियां होती रहती हैं, जिसे हम लोग अपनी साइकियाट्रिक की भाषा में हालोसिनेशन या इल्यूजन कहते हैं। जैसे कोई आपने सांप, किसी रस्सी को सांप समझ लिया, ये है इल्यूजन, इसको बोलते हैं भ्रम। लेकिन जब हम डरे हुए होते हैं तो कहीं अगर रस्सी नहीं भी होती है तब भी हमारा माइंड, हमारा ब्रेन पीछे से ऐसा प्रोजेक्ट करता है, हमारे मन में सांप सांप का डर लगा हुआ है तो हमें लगता है कि कोई सांप रेंग गया या कोई सांप बैठा हुआ है। इसी तरीके से ऐसी असामान्य अनुभूतियां होती हैं कि कोई उनको छू के चला गया, इसको हम लोग टैक्टुअल हेलुसिनेशन बोलते हैं, जबकि वास्तव में कोई रियल ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि उसको छुआ है, लेकिन उसके अंदर ऐसी फीलिंग आती है कि उसको कोई छू के गया। इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन यही है और इन लोगों के अंदर से इस मिथ को निकाला जाना चाहिए कि ये बिल्कुल मिथ है, ये उनका मन का भ्रम है और कुछ भी नहीं। एसओ जैसा अधिकारी भी कहते हैं, एसओ एक मतलब पढ़ा लिखा, हाँ ठीक है, ठीक है। जहां तक आप एक जो नॉन साइकियाट्रिक पर्सन है, यानी जिसको साइकियाट्री का या मन के विज्ञान के बारे में जिसको मालूमात नहीं है, भले ही वो आईईएस ही क्यों ना हो, वो पीसीएस ही क्यों ना हो, वो एसओ ही क्यों ना हो, लेकिन हमारा मन कैसे काम करता है उसकी बारीकियों को अगर उसे नहीं मालूम है तो वो भी ऐसी भ्रांतियों को मानने के लिए मजबूर हो सकता है जब तक कि उसको समझाया ना जाए। सब एक बात यह थी, कहीं कोई नकारात्मक ऊर्जा ही बची रहती है इंसान के मरने के बाद, हाँ। तो क्या इस तरह की बातें रहती, कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं? देखिए, इंसान के मरने के बाद जब हमारा बॉडी सोल से अलग होता है तो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ना तो नकारात्मक होती है ना तो सकारात्मक होती है। ऐसे ही आप समझ लीजिए कि हमारी सोल जो है, हमारी आत्मा एक तरह की पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो तभी काम करेगी जब उसके लिए हम बॉडी में वो एग्जिस्ट करेगी। बॉडी से बाहर जाने के बाद वो कुछ नहीं कर सकती जब तक कि फिर से वो दोबारा किसी बॉडी में री इंटर नहीं करती है, तो ये पैरासाइकोलॉजी हमारी कहती है। तो केवल सोल का कहीं एग्जिस्ट करना हम आपके परसेप्शन से बाहर है, हम आप उसको परसेप्ट नहीं कर सकते, हम आप उसको अनुभूत नहीं कर सकते। भूत प्रेत जिन्नाद ये सब बकवास की बातें हैं, जो भी एग्जिस्ट करता है वो रियल आदमी में एग्जिस्ट करता है, बाकी सोल का कोई एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है जिसको हम लोग अनुभव कर सकें, ये हमारे अनुभव से बाहर की बात है।